तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। और मेरे पास बहुत सारे जो क्वेश्चन आ रहे थे, तो उनमें से एक था कि डिप्लोमा इन फार्मेसी क्या है और जो है मतलब क्या स्कोप है अब्रॉड में, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। आज का जो विषय है वो है कि जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनका कुछ स्कोप है फॉरेन में या नहीं है। और इंडिया में इतने सारे कॉलेज खुल रहे हैं न्यू जो डिप्लोमा के, जिसकी वजह से जो बहुत सारे लोग जो है अभी न्यू डिप्लोमा फार्मेसी जो है ग्रेजुएट हो रहे हैं और उनकी जो है जॉब के जो है इतना ऑप्शंस नहीं है। मतलब रिटेल फार्मेसी में आपको पता ही है कि हम जो है एक अपना सर्टिफिकेट रेंट पर दे देते हैं, फिर हम लोग जो है MR बन जाते हैं, और या फिर हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वही 8 या 7 हज़ार देता है, या किसी रिटेल फार्मेसी पर भी मगर हम काम करते हैं तो वो दिल्ली विल्ली में 3-10-12 हज़ार ही मिलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं। तो फॉरेन में उसके क्या स्कोप है, तो पहले तो मैं बताता हूँ, डिप्लोमा इन फार्मेसी एक 2 साल का कोर्स होता है और इसमें जो है ईयरली एग्ज़ाम होता है। और ये मैं कहूँगा ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनकी फैमिली मतलब अफोर्ड नहीं कर पाती है कि जो है वो लोग बी फॉर्म कर सकें 4 साल का, या 6 साल का फॉर्म डी कर सकें। तो एक छोटा सा कोर्स है 2 साल का, उसके बाद आप जो है अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा ये बहुत ही अच्छा कोर्स है, और स्पेशली मतलब जो लोग रूरल बैकग्राउंड से हैं और अपना भी आप बिजनेस कर सकते हैं, अपनी फार्मेसी आप जो है ओपन कर सकते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कोर्स है मैं ये कहूँगा। मैंने खुद अपना फार्मेसी करियर शुरू किया था, तो मैंने खुद पहले जो है डिप्लोमा किया था। मतलब मेरी अपनी फैमिली में भी ये था कि पहले डिप्लोमा कराएंगे फिर उसके बाद को जो है बिजनेस में लेकर जाएंगे। मेरी पूरी फैमिली बिजनेस में होती है फार्मेसी के, मगर मेरे कुछ अच्छे मार्क्स आ गए भी मतलब डिप्लोमा है, फिर फैमिली ने कहा कि उसको आगे पढ़ा देते हैं, तो बी फॉर्म किया, फिर उसके बाद मैंने फॉर्म डी किया। तो मेरी लिए जो पर्सनल एक्सपीरियंस है डिप्लोमा का और बी फॉर्म का और फॉर्म डी का, क्या क्या जॉब के जो है ऑप्शंस हैं और क्या क्या इंडिया में होता है, तो ये 2 साल का कोर्स है और ये बहुत ही अच्छा कोर्स मैं कहूँगा। मगर ये जो है ना मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इतना अच्छा नहीं है, तो ये बेस्ट यही है कि आप अपना बिजनेस खोलें, आप डिप्लोमा फार्मेसी आप वो नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है तो आप विदेश में जाना चाहते हैं, आप जो है पैसा कुछ अर्न कीजिए और फिर उसके बाद जाके आप जो है अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ डिप्लोमा जो होता है वो पूरे दुनिया में हर जगह होता है। तो अगर एज ए फार्मासिस्ट की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में जो है मिनिमम 4 साल की डिग्री होती है, ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ पर 4 साल से कम की डिग्री हो वो फार्मासिस्ट कहलाता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो पड़ोसी देश है, मैं उनका एग्जाम्पल दूंगा, विदेश में मैं नहीं जा रहा क्योंकि हम जो है हम लोग उन्हीं से हम लोग कंपटीशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान, वहाँ पर 5 साल का फॉर्म डी होता है वो फार्मासिस्ट कहलाता है, और जो डिप्लोमा होता है वहाँ भी होता है 2 साल का, मगर वो फार्मासिस्ट नहीं होता है, वो लोग उसको बोलते हैं फार्मेसी असिस्टेंट या वो टेक्नीशियन वाला काम करता है। सेम वही अगर हम बात करें बांग्लादेश में वही 5 साल का होता है, और श्रीलंका में वही हाल है, मलेशिया में वही हाल है ना। यहाँ अब बात करें कि विदेश में क्या होता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर डिप्लोमा होता है उसको सर्टिफिकेट कोर्स बोलते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं उसको, ये लोग उसको बोलते हैं ये असिस्टेंट फार्मासिस्ट है या ये टेक्नीशियन है, या उसको एक टर्म और बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि ये डिस्पेंसिंग जो है टेक्नीशियन है, ये ना वो डिस्पेंस करता है मेडिसिन आपकी बनाता है, तो वो सुपरवाइज करता है उसके लिए फार्मासिस्ट, तो फार्मासिस्ट के अंडर में काम करता है, तो एक तरह से उसके असिस्टेंट है। जैसे एक तरह से आप ऐसा लगा लीजिए कि किसी हम शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर कोई छोटू, तो छोटू ये उठा कर दे दे, छोटू ये दे दे, है ना, इसकी जो है प्रिस्क्रिप्शन उसको जो है ये लिया वो लिया, है ना, तो उस टाइप के ही काम मिलेंगे आपको। आप फार्मासिस्ट नहीं हो सकते हैं, फार्मासिस्ट के लिए मिनिमम जो है 4 साल की डिग्री होना ज़रूरी है। तो क्या होता है, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, तो यहाँ पर जो लोकल लोग होते हैं, लोकल बच्चे होते हैं जो 12th कर लेते हैं, उसके बाद वो लोग जो है ऐसे टेक्नीशियन काम करते हैं, या वो लोग ऐसे बोलते हैं सेल्समैन टाइप से जो होते हैं ना, किसी फार्मेसी पर आप जाएंगे तो आपको क्या चाहिए सर, तो आप वो या आप इसे सिम्स ले आइए ये वो, तो वो सब आपको वहाँ पर काम करने को मिलता है। अगर हम बात करें कि जो एक PR की जो लिस्ट है उसके अंदर फार्मेसी टेक्नीशियन भी आता है, पर एक्चुअली इसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ आज आपको कि गवर्नमेंट तो बोल रही है कि जॉब्स हैं, पर एक्चुअली क्या मार्केट में जॉब्स हैं, अगर आप यहाँ आ गए आपको जॉब मिल पाएगी या नहीं, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फार्मेसी टेक्नीशियन में मोस्टली वो लोग स्टूडेंट को रखते हैं, और जो फार्मेसी के स्टूडेंट रहते हैं Year 1, Year 2, Year 3, Year 4 वो सारे टेक्नीशियन का ही काम करते हैं, है ना, तो वो और ये जो कुछ लोग होते हैं सर्टिफिकेट कर लेते हैं तो उन लोगों को वो लोग रखते हैं स्पेशली एक सर्टेन एज तक, तो कोई भी एम्प्लॉयर बाहर वाले बंदे को नहीं रखता है।
या तो फिर आप PR पे हों, आप यहाँ के सिटीज़न हैं, तब आपको शायद मिल सकता है। मगर अगर आप इंडिया में हैं और आपको यहाँ आना चाह रहे हैं PR लेके इस टेक्नीशियन वाले कोर्स पे, तो यहाँ पर इतना स्कोप नहीं है, आपको कोई भी जॉब मिलना मुश्किल है, मैं तो कहूँगा नामुमकिन टाइप से है, है ना। मैंने किसी को भी नहीं देखा, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात भी किया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सिनेरियो है। और दूसरी बात आती है फिर क्या दूसरी किसी और कंट्री में जो है स्कोप हो सकता है एब्रॉड में, तो मैं बताऊंगा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप लोग जो है ट्राई करें जो है गल्फ़ में बहुत अच्छा स्कोप है। और वहाँ पर जो है ना वो डिप्लोमा फार्मेसी वाले को लेते हैं और असिस्टेंट फार्मासिस्ट होता है, स्पेशली लाइक ओमान में, कतर में भी लेते हैं, और जो है कुवैत में लेते हैं, है ना, और सऊदी अरब में भी लेते हैं, है ना। तो इन सारी जगह पे आप लोग जाइए, यहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगी। अब बात आती है कि डिप्लोमा वाले को कोई एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा या नहीं। तो नॉर्मली क्या होता है, आप फार्मासिस्ट नहीं, आप असिस्टेंट ही होंगे वहाँ पर, तो आपको कोई भी डिप्लोमा वाले को जो है आपको कोई एग्ज़ाम पास नहीं करना, जस्ट आपको जो है जॉब सर्च करनी है। जॉब आप कैसे सर्च करेंगे, या तो कोई आपको वहाँ पर कोई जानने वाला होगा आपको गाइड कर सके, हो सकता है कि मैं आपको एक इंटरव्यू कुछ दिनों में मैं अपलोड करूँ उसी चैनल पे, तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और तो फिर मैं वो बताएगा आपको कैसे आप जॉब लोग ढूंढ सकते हैं। दूसरा क्या होता है, बहुत सारे एजेंट होते हैं दिल्ली विल्ली में, तो बहुत सारे एजेंट हैं मुंबई में, बहुत सारे एजेंट हैं चेन्नई में और केरला में, है ना। ये लोग सारे एजेंट का काम ही होता है कि इन सारे लोगों को जो है जॉब दिलाना, मगर उनमें बहुत सारे लोग फ्रॉड भी होते हैं जो पैसे ले लेते हैं आपको जो है और धोखा दे देते हैं। तो आप ऐसे फ्रॉड्स के पास नहीं, आप पहले से पूरा उसकी छानबीन कर लें और तभी आप उसको पैसा दें, है ना। तो मैं कहूँगा कि इन सारी जगह पर आप लोग एक्सप्लोर करें और यहाँ पर जॉब आपको मिल सकती है। तो ये जो है ना, ये जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर टेक्नीशियन की जॉब नहीं मिल सकती है, जैसे कि कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, या फिर आप PR पे वहाँ पहुँच जाएँ, वहाँ के आप सिटीज़न बन जाएँ, तब शायद आपको चांस है। मगर ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में बैठे हुए हैं और आपको वहाँ पर कोई PR पे बुलाए और फिर आपको कोई जॉब दे, तो ये डिप्लोमा के लिए एक नामुमकिन सा है। तो आप लोग जो है गल्फ़ में जाएँ, गल्फ़ में आपको डेफिनेटली जॉब मिल जाएगी। और जॉब में पैसे कितने मिलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिप्लोमा के लिए। डिप्लोमा के लिए इतने ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, हम बोल सकते हैं कि जो एक तरह से, जैसे कि अगर एक फार्मासिस्ट है, वो फार्मासिस्ट को अगर 7 से 8 हज़ार मिलते हैं, तो इसको मिल जाएंगे 4 या 5 हज़ार, मतलब जो ना इस टाइप से जो लेस लगा लिए, 60% लगा लीजिए फार्मासिस्ट की सैलरी है, उसके हिसाब से इसको मिल जाते हैं। तो ये सारी कंट्रीज़ में जो है एग्ज़ाम्स भी होते हैं, मगर डिप्लोमा वालों के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं है, बैचलर्स वालों के लिए एग्ज़ाम लिखना पड़ता है, क्योंकि वो लोग फार्मासिस्ट होते हैं और डिप्लोमा वाले होते हैं टेक्नीशियन, तो उनको कोई एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्टली जो है जॉब सर्च कर सकते हैं, किसी हॉस्पिटल्स में भी रखा जाता है डिप्लोमा वालों को, और जो कम्युनिटी फार्मेसीज हैं तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो मेरे कुछ दोस्त थे, वो बता रहे थे कि वो उन लोगों के अंडर में जो है दो 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 जो है तीन तीन जो है वो लोग जो है रखे हुए हैं।